माँ गायत्री का ये जो मंत्र जो वैदिक ऋचाओं से निकल करके आया, यजुर्वेद के मंत्रों से प्रस्फुटित हुआ, ये मंत्र हम में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित ईश्वरीय संभावनाओं के जागरण का मंत्र है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब इस मनुष्य जीवन के रूप में एक सौभाग्य को लेकर के आया, तो उसके साथ ये सौभाग्य, ये अवसर भी लेकर के आया, यदि हमारी सारी संभावनाएं साकार हो जाती हैं तो हम ऋषि में, विद्वान में, एक अध्यात्मवेत्ता में, एक अवतार में बदल जाते हैं। और उन संभावनाओं को साकार करने के लिए जो जागरण की दिशा है वो गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। न जाने कितने कष्टों कठिनाइयों के पथ से गुजरने के बाद, हमारे शास्त्र कहते हैं कि लाखों योनियों में भटकने की यात्रा होती है, कीट पतंगा, मक्खी मच्छर, कीड़ा मकौड़ा, कुत्ता बिल्ली, भूत प्रेत पिशाच, न जाने हम लोग क्या क्या बने होंगे, और बनने के बाद आज ये मनुष्य जीवन के रूप में वो सौभाग्य मिल पाया जिसको पाने में देवता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और उस संभावना को याद दिलाने के लिए गायत्री का मंत्र है। ये बड़ा देख करके दोस्तों दुख होता है, पीड़ा होती है, आश्चर्य भी होता है कि जब हजारों जन्म की यात्रा में और आदमी न जाने कहां कहां भटकता है, और भटकने के बाद ये मनुष्य के जीवन के रूप में सौभाग्य मिल पाता है, और मिलने के बाद जिस बेतरतीबी के साथ, बिना समझ के, बिना योजना के, बिना प्लानिंग के, बिना किसी उद्देश्य के, कई बार हम लोग मनुष्य के इस जीवन को जी जाते हैं, तो उसको जीता देख करके कई बार एक अचरज सा होता है कि यदि गंवाना ही था तो इतनी प्रतीक्षा क्यों की थी, यदि गंवाना ही था तो आदमी के मन में इतनी तड़प क्यों थी, भगवान के आगे इतना गिड़गिड़ाए क्यों थे कि एक बार और मनुष्य के जीवन का अवसर दे दें। समय रहते यदि व्यक्ति जाग जाए, समय रहते यदि मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य मिला है वो व्यक्ति को याद आ जाए, तो जीवन की यात्रा उत्सव में बदल जाती है। कहीं पर एक प्यारी सी कथा आती है पंचतंत्र में, बूथ कथाओं में कथा विष्णु शर्मा ने लिखी, और कहानी एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखी जिसने पढ़ा कि उसके गांव में, उसके शहर में जो नदी गुजर रही है, उस नदी के किनारे जो अनेकों पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है। और पारस के पत्थर के विषय में कहा जाता है कि यदि आप उसे किसी भी धातु से छुलाओ तो धातु सोने में बदल जाती है। चाहता तो वो भी था कि उसको मिल जाए, पर पाए कैसे, इतने सारे पत्थरों में से कौन सा पत्थर पारस का होगा ये कैसे पता चले। तो उसने एक नियम बनाया, नियम ये बनाया कि लोहे का बुरादा लिया, अपने बाएं हाथ में डाला, रोज सुबह सुबह का नियम था, पत्थर उठाता था, लोहे के बुरादे से छुलाता था, देखता था सोने में बदला कि नहीं बदला, और नहीं बदला तो पत्थर को उठा के पानी में फेंका, ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े, नहीं तो आदमी एक ही पत्थर उठाता रह जाएगा। एक आध हफ्ते तक तो नियम ठीक चला, याद भी रहा कि पत्थर उठाना है, पारस पत्थर को ढूंढ रहा हूँ और उसको छुलाना है, और छुला करके देखना है कि सोने में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, और धीरे धीरे आदत पड़ गई, ये भूल गया कि पत्थर उठा क्यों रहा था और छुला क्यों रहा था। एक वर्ष गुजरा, पाँच वर्ष गुजरा, दस वर्ष गुजरे, बीस वर्ष गुजरे, एक दिन पत्थर उठाया और लोहे के बुरादे से छुलाया, और छुलाने के बाद पत्थर को पानी में फेंका, और 100 मीटर आगे बढ़ा और देखा कि वो बुरादा सोने में बदल गया था, पत्थर चला गया था। बस ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, जब तक होश आए कि ये पारस पत्थर तो यही मिला हुआ था, इसी पारस को हम लोग अपने जीवन में छुलाकर विवेकानंद बन सकते थे, गुरुदेव बन सकते थे, तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है, तब तक तो चलने की तैयारी होने लग जाती है। समय रहते यदि होश आ जाए और बोध आ जाए तो जीवन का हर क्षण उत्सव में बदल जाता है। व्यक्तित्व प्रबंधन जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उसके पीछे की भावना यही है कि जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड व्यक्ति होश के साथ और बोध के साथ गुजारे, और वो याद दिलाने के लिए गायत्री का मंत्र है। उसकी शिक्षाएं इसी उद्देश्य के लिए हैं कि इस अवसर को हम लोग सौभाग्य में बदल सकें। एक बार शरीर को शांत करते हुए, मन को स्थिर करते हुए, इस भाव के साथ कि आज जब हम लोग यहाँ पर इस सार्थक सकारात्मक उद्देश्य को लेकर के एकत्रित हैं, तो यहाँ से पवित्र विचारों को लेकर के विदा हो सकें, सार्थक संकल्प को लेकर के विदा हो सकें, इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।